वेलकम बैक टू माय चैनल बैडी। मेरा नाम है विनीत और आज वीडियो में हम बात करेंगे, मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली जेमिनी सॉल्यूशंस में 6 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट करने वाला जून में, वो जो पूरी जर्नी रही है उन सब चीज़ों के बारे में। और अगर आप हो जो कि जेमिनी सॉल्यूशंस ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या रीज़न है व्हाई यू शुड ज्वाइन जेमिनी, एंड मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस रहा है गुड बैड उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी मेरी वो थी 2016 में, जब मैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और मेरी प्लेसमेंट जो थी वो TCS में लग चुकी थी। लेकिन मैं TCS में नहीं गया, मेरे को जब ऑफ कैंपस के बारे में पता लगा कि जेमिनी सॉल्यूशंस में ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करा और मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी 3 महीने का फुल स्टैक डेवलपर हुई थी, उसके बाद मुझे 3 महीने के बाद एक क्लाइंट पे भेज दिया गया जहाँ पे मैंने UX/UI फ्रंट एंड के ऊपर काम करा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो जॉब थी। 2 साल काम करने के बाद, काफ़ी सारे अवार्ड्स लेने के बाद मैं वापस यहाँ पे कंपनी में आया। शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं डिज़ाइनिंग में घुसूँगा और चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन स्टार्टिंग करियर में वो, क्योंकि हम सिलेक्ट एज अ फुल स्टैक डेवलपर हुए थे, डिज़ाइनर्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो जो मुझे रोल मिला वो मिला था एज अ फुल स्टैक डेवलपर। लेकिन ग्रेजुअली 2 साल के अंदर मैंने मेहनत करी और अपनी स्किल्स डेवलप करी इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन वेब डिज़ाइनिंग, इन सोशल मीडिया। तो जब 2018 में मैं वापस क्लाइंट से काम ख़त्म करके मैं वापस अपनी कंपनी में आया तो मैंने बोला यार मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इस डिज़ाइनिंग में, सोशल मीडिया में पोस्ट करने में, तो मुझे कुछ इस टाइप का रोल दिया जाए। तो अनिल पहल हुए सर CIO, उन्होंने मुझे रोल दिया यार तू कंपनी की ब्रांडिंग संभाल, चीज़ों को ठीक कर, अब तक ये ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है, हम ग्रो कर चुके लेकिन सब चीज़ों पे वर्क हमने नहीं करा है, तो तू ये प्रोफाइल संभाल और आगे इस पे प्रोसीड कर। काफ़ी न्यू थी मेरे लिए, काफ़ी अलग भी था। काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे विनीत यार तेरे तो बिल्कुल अलग चीज़ है, नॉन टेक्निकल चीज़ में तू घुस रहा है, क्या तेरे को मज़ा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन पर्सनली सही बताओ तो मेरा इंटरेस्ट वही था। अगर आप सबने इकिगाई पढ़ी हो बुक, तो इकिगाई के अंदर बताते हैं कि आप ज़िंदगी में वो चीज़ ढूंढो जिसमें आपको करने में मज़ा आ रहा हो, लोग उसके लिए आपको पैसे दे रहे हो और आपको वो चीज़ें करने से लोगों की हेल्प हो रही हो। ये 3-4 चीज़ें होती है जो कॉम्बिनेशन में ला के आपका पूरा इकिगाई मिलता है। और अगर आप ये पा लेते हो तो आप जो काम करो, तो जब भी आप वो काम करो तो आप कभी थक नहीं रहते और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो शायद से मैंने वो इकिगाई फाइंड कर लिया था, मैंने और किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपना फोकस करा भाई डिज़ाइनिंग और इसमें घुसना है। थैंक्स टू माय मैनेजर उस टाइम पे प्रतीक हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे पूरा ट्रेनिंग करी, क्योंकि मैं पास्ट में कोई डिज़ाइनिंग की कोई कोर्स नहीं करके आया हुआ था, तो जो भी चीज़ें सीखी है मैंने वो ओवर द एक्सपीरियंस सीखी है। एंड जेमिनी में वो मुझे एक्सपोजर मिला है कि मैं अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंट कर करके, लर्निंग कर करके, जो मेरे मेंटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, गाइडेंस दी, उन सब चीज़ें सीख सीख के आगे बढ़े। एंड सबसे अच्छी बात तो यार मेरा वो जो फर्स्ट मैनेजर था ओजस, उसने सबसे पहले दिन ये बता दिया था भाई, रूम में बिठाया, एक रूम में ले गया और सिंपली बोला द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज गूगलिंग। अगर आप सही तरीके से गूगल कर पाते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उन्होंने बहुत सही तरीके से हमें बताया किस तरीके से गूगल का यूज़ करना है, कीवर्ड्स कैसे डालना है, एग्जैक्टली किस आंसर तक हमें पहुंचना है। अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं ना, हम सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो उन्होंने वो बताया था, वो लिटरली आज तक हेल्प करी है। एंड मेरे यूट्यूब और गूगल ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी, उन्हीं से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी है। बहुत सही उन्होंने मेरे पर पूरे जो करियर ग्रोथ में ग्रो करने के लिए बहुत सही रोल प्ले करा। तो 2018 के बाद 1 साल ब्रांडिंग करी, 2 साल ब्रांडिंग करी, फिर UX/UI में भी थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा था तो वहाँ पे भी उस टाइप के प्रोजेक्ट संभाले। 2019 में मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं UX/UI भी पैरेलली स्टार्ट करा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने लगे। एंड जैसे लॉकडाउन लगा तो फिर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ गई, नए प्रोजेक्ट्स मिले, नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हुए एंड फाइनली हमारे पास डिज़ाइनिंग का भी काम आने लग गया। क्योंकि यार हम सर्विस बेस्ड कंपनी IT, जिसमें मेजरली डेवलपर्स है, बिजनेस एनालिस्ट है और ये सारे रोल्स होते हैं, तो डिज़ाइनिंग का इतना ज़्यादा नहीं है। डिज़ाइन स्टूडियो और डिज़ाइनिंग एज अ सर्विस के ऊपर हमने कभी फोकस नहीं करा था, लेकिन पिछले दो सालों से या 2020 से हमने डेडिकेटली इस पर फोकस करा है। डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को हम सर्व कर रहे हैं, इंश्योरेंस के काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, फिनटेक के बहुत सारे बड़े क्लाइंट्स हैं और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऑन बोर्ड हो रहे हैं। उस वजह से हमारी टीम ग्रो हुई। लॉकडाउन से पहले सिर्फ हम 2 जने काम करते थे, मैं और साक्षी, एंड आज हमारी टीम में 11-12 लोग है ऑलरेडी एंड काफ़ी ज़्यादा हायरिंग चल रही है। और आज भी हम चटकारा यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी टारगेट है हमारा टीम में डिज़ाइन स्कूल से हायरिंग करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने ग्रोथ देखी है। मैं यही बात कर रहा था कि परसों मैं यही बात कर रहा था कि जो मेरी पिछले 5 साल में जो ग्रोथ हुई थी ना टिल 2021, जो मेरी 2016 से लेकर 2021 तक जो मेरी ग्रोथ हुई है, 2020 तक मेरी जो ग्रोथ हुई है वो लीनियर वे में ग्रोथ हुई थी, कि मैंने काम करता रहा आगे बढ़ता रहा। लेकिन 2021 से मेरी जो ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 ईयर में जितना काम करा है लिटरली, मतलब दबा के काम करा है, कुछ और नहीं सोचा, मेन फोकस ही मेरा ये था कि सिर्फ काम पे फोकस करना है। डेफिनेटली पास्ट में भी करा था लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने अपने में देखी है। क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस आ चुका था, कंपनी को ट्रस्ट हो चुका था,
मेरे को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था, इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली, और आगे मूव करते करते वो कॉन्फिडेंस जब आ गया ना, तो वो मैं अब डिलीवर कर पा रहा था, मेरे पास वो पावर्स आ चुकी थी, क्योंकि मैं डिज़ाइन लीड बन चुका था, ब्रांडिंग भी संभालने लगा था, ब्रांडिंग, तो मेरे पास वो पावर्स आ गए, तो कंपनी ने वो पावर मुझे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। आई स्टिल रिमेंबर प्रशांत चौधरी, हुई दार सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, उन्होंने कहा था, मैंने एक इंसिडेंट करा था, सर ये जो टी शर्ट्स बन रही है उस पर जो लोगो है उसका कलर सही नहीं है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। उन्होंने भरी ऑडियंस के अंदर मुझे बोला था, ये मेरा काम नहीं है, तेरा काम है, एंड टेक द ओनरशिप एंड गेट इट डन। उस टाइम से लिटरली वो जब चीज़ और वो पावर ऑथराइजेशन हमें मिली ना, तभी मैं वो काम कर पाया। एंड आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर कुछ भी चीज़ प्रिंट हो रही है, कुछ भी आउटसेट जमने जा रही है, कुछ प्रेजेंटेशंस बन रही है, कुछ डेक्स बन रहे हैं, या कुछ हम सॉविनियर्स भी दे रहे हैं, उस पर अगर लोगो लगना है, जो गाइडलाइंस है वो सेट हो चुकी है, और वो मेरे बिना अप्रूवल के आगे नहीं जाएगी, तो वो पावर्स मुझे मिलने लगी। एंड वो जब पावर्स मुझे मिली, अथॉरिटी मिली, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करने लग गया। सोशल मीडिया का पूरा एक्सेस मेरे पास था, नए नए इनिशिएटिव, नए नए कैंपेन्स हमने रन करे, तो ये सारी चीज़ें करी। बजट अप्रूवल इनिशिएटिव्स लेने में कोई मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ जिमनई में, एंड सारे लोग सपोर्टिव है, लाइक माइंडेड पीपल हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेशर्स हायर करते हैं, एक्सपीरियंस लोग, वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। मेरा सिंपल सा एक मोटिव रहता है, हमारा सिंपल सा एक मोटिव रहता है, सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, ताकि उस प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट, उन सब में वो खेल सके। एंड जमने में ख्याल से इन सब चीज़ों में सबसे आगे है। मुझे आज तक फीलिंग नहीं आई कि मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है, यहाँ पे जो तरीके हैं, वो हम बिल्कुल कॉलेज स्टाइल में ही आगे प्रोसेस कर रहे हैं और चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं, और बहुत सही मज़ा आ रहा होता है, एक एनर्जी होती है जो कि हमें ड्राइव कर रही होती है नई नई चीज़ें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होगी मेरी जो मैं काम कर रहा होता हूँ, जैसे वो ना यूएक्स यूआई डिजाइनिंग या सोशल मीडिया के हिसाब से। उसके अलावा जो दूसरी और चीज़ें और इनिशिएटिव्स में पार्ट ले रहता हूँ, थैंक्स टू जमना जो मेरे को ऑप्शन देती है इन सब चीज़ों में, वो है CSR एक्टिविटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर कंपनी को करना होता है, तो हम एक्टिवली, हमने टीम बनाई, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव पास्ट में करे हैं, कुछ इनिशिएटिव तो हमारे थे, हमने ब्लड कैंप करा था एक बार, दूसरा उसके बाद हमने अभी रिसेंटली वुमेंस डे पे हमने किट्स बांटी, हाइजीन किट्स बांटी है यहाँ पे रूरल एरिया में, उसके अलावा चिल्ड्रंस डे पे, सॉरी क्रिसमस पे हमने टीम्स ऑफ गॉड के साथ कोलैबोरेट करके ऑफिस में बच्चों को बुलाकर उन्हें पूरा एक्सपोजर दिया था, और सर्दियों के अंदर हमने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करी थी। एंड इस टाइप के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हमने ऑलरेडी CSR के अंदर लिए, आने वाले टाइम में बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स हम लेना चाहते हैं। तो अगर आप सोशल काइंड ऑफ पर्सन हो और आप CSR में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो हमारे CSR क्लब है, उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारे एक प्लेटफॉर्म है, यामर पे हम पोस्ट कर होते हैं, जितने भी लोग नए ज्वाइन कर होते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें वीडियोस को देख के आगे आप उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है जेमिनी ऑन व्हील्स, जो हमने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। जेमिनी ऑन व्हील्स क्या है, ये एक आइडिया था, एक सिंपल चीज़ जैसे मैंने बताया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का लोगों को, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल जो कि एडवेंचरस है, ट्रैवल एंथुसियास्टिक है, वो आ सके, मिल सके, एटलीस्ट उनके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो शेयर कर सके, एटलीस्ट वो पुट कर सके, यार मैं ना इस पर्टिकुलर ट्रैक पर जा रहा हूँ, मैं कल बंजी जंपिंग करने जा रहा था, इज एनी वन इंटरेस्टेड टू गो विद मी। तो हो सकता है एक लोग, दो लोग, और एक दो को देख के 10 लोग इकट्ठे हो, और ऐसे हो हमारे पास पास्ट में हुआ है। हमने ट्रिप्स प्लान करे, हमने ट्रैक्स प्लान करे, विजय के साथ हमने फूड वॉक्स प्लान करी है, तो उसने सिंपल ग्रुप पर डाला और हम वहाँ पर मूव करके, अब एक उसको हमने शेप दे दी है, और हमने जेमिनी ऑन व्हील्स करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, एक कम्युनिटी स्टार्ट करी है, और एक्सक्लूसिव क्लब है हमारी कंपनी का, जिसमें आने के लिए देखो यार आपको ट्रैवल एंथुसियास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हो तो एक लंबा सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, पास एक्सपीरियंसेस आपको बताने पड़ेंगे, या व्हाई यू रियली वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर क्लब, और हमें सही लगेगा तो हम आपको उसकी जो मेंबरशिप है वो आपको देंगे, और हम आने टाइम में बहुत सारे ट्रिप्स, ट्रैक्स, सब कुछ प्लान करेंगे, जो कि सेल्फ फंडेड रहेगा डेफिनेटली, लेकिन हमें एक पूल मिल जाएगा लोगों का जो कि इंटरेस्टेड रहेंगे, और उसमें जो मज़ा आएगा ना, और अपने ऑफिस के होंगे, कलीग्स होंगे, डिफरेंट टीम्स होंगे, तो हमारा और सही मज़ा आ रहा हो। तो अगर आप वो सब भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसकी डिटेल्स भी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हो, ये एक हमने सोशल इनिशिएटिव अलग से हमने रखा, हमने कल्चरल इनिशिएटिव अलग से रखा, ऑफिस में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, चार्ज के साथ हम काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पास में दिवाली, होली, रंगोली, क्या क्या नहीं यार कराया ऑफिस के अंदर, तो वो सब चीज़ें ना मज़ा आता, तो वो है ना जैसे फेस्ट वाली फीलिंग आ रही होती है, वो फीलिंग हमारे पास आ रही होती है। उसके अलावा आप जो नए इनिशिएटिव, एग्जाम्पल आज जो मैं आया वो किस लिए आया, वो है चित्रकार यूनिवर्सिटी में MOU साइन करना है, तो मैं हमेशा से मानता चितकारा जाना है, तो मैं सिंपली पुट अप करा यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्राइब। मैनेजमेंट ने कहा ओके गो अहेड एंड प्रोसीड। तो सिंपली देखो यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 लोग आए हुए हैं, और उसमें से मैं एक हूँ, बाकी जो लोग हैं HR डिपार्टमेंट से और सीनियर मेंबर है हमारे पास सौमेंद्र, वो आए हुए हैं। फाइनली मुझे भी ऑप्शन मिला, बींग आई थिंक आई एम बींग द यंगेस्ट हेयर जो यहाँ पे आया हुआ, और इस चीज़ों में करने में, तो इन सब चीज़ों को पार्टिसिपेट करने में, ये सब करने में कंपनी
मतलब रेडी हो गई, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, वो सबसे अच्छी बात है। एंड आई एम हेयर टुडे एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे। हम कॉलेज भी जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कर रहे होंगे। सो यू नो ये जो पूरा पूरी जो चीज़ें ना, मतलब मेरे ख्याल से वीडियो कम पड़ जाएगी बताने के लिए कि वाई आई एम हेयर एट जेमिनी, क्यों मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और आपको क्यों आना चाहिए। कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारी कंपनीज हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ना सिर्फ काम करने से बात नहीं बनती, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई नो जेमिनी अच्छा खासा पे कर रही है, फ्रेशर्स का पैकेज भी हमने हाई कर दिया है तो अच्छा खासा पे कर रही होती है, मार्केट हाई है, एज मार्केट स्टैंडर्ड से अच्छा ही हमें जेमिनी दे रही होती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की प्रायोरिटी पैसा होती है ना, तो वो तो शायद किसी भी कंपनी में जाता है, लेकिन जिन लोगों की प्रायोरिटी खुश रहना है, मज़े मारना है, अपार्ट फ्रॉम द जॉब और जो चीज़ें ऑफिस आवर्स के बाद जो करना चाहते हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हो, और इस टाइप पे कल्चर ढूंढना पड़ा जिसमें आपको नए फ्रेंड्स मिल जाए, नए लोगों को मिल जाए आपको हैंग आउट करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से जेमिनी इज़ द राइट कंपनी। और आप सिंपली आइए और जेमिनी को ज्वाइन कर लीजिए, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके मुझे पिंग करिए कौन से रोल के लिए आप देखना चाहते हो। सकता है आपका जो रोल है हमें बस कंपनी में ना हो, वी कैन थिंक ऑफ, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग अ लॉट। पास्ट कुछ ही सालों के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया था हम 100 लोग थे, अब 1000 लोग हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और आने टाइम में हम 1500 भी रीच कर जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा, और 2000-5000 कब पहुँच जाएंगे वो भी पता नहीं लगेगा। तो आप सिंपली मेरी ईमेल आईडी चलिए, मुझे लिंक्डइन पे आप पिंग कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मेरी वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, करिए। क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो वो सब मुझे मेंशन करिए उस मेल के अंदर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कनेक्ट विद यू द एचआर, और अगर पॉसिबल हुआ प्रोफाइल मैच हुई तो आपका इंटरव्यू करवा के आपको हायर कर लिया जाएगा फॉर श्योर। पास्ट में मैंने जितनी भी रेफरल्स अपने दिए कंपनी के अंदर, लकीली सारे सिलेक्ट हुए, एंड रेफरल आई थिंक इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन टू एनी कंपनी। तो आपके अगर कॉन्टैक्ट्स है, अगर आप मुझे जानते हो और आपकी जो प्रोफाइल है वो हमारी कंपनी में रिक्वायर्ड है, सिंपली मेरी ईमेल आईडी मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके पुट अप कर दीजिए एंड वी विल हैव वन कन्वर्सेशन। और मैं, मुझे लगेगा कि हाँ आपके अंदर वो एनर्जी है जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, जो हमारी कंपनी ढूंढ रही है, और आप एलिजिबल हो इस कंपनी का पार्ट बनने के लिए, उस कल्चर को समझने के लिए, उस कल्चर के साथ काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल रेफर यू फॉर श्योर। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जेमिनी में मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैं तो यार देखो एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लूंगा। आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सेपरेट वीडियो बना लूंगा। एंड वाई यू शुड ज्वाइन जेमिनी, या किसी और कंपनी में भी आपको जाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और वीडियो मैं ऐसे लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, डेडिकेटली फ्रेशर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए बेनिफिट्स है, टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या बेनिफिट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे फॉर श्योर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सारे सोशल मीडिया एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लो ना यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, थोड़ी मोटिवेशन मुझे मिलेगी। एंड आप आना चाहते हो या आ चुके हो जेमिनी में तो मुझे ज़रूर बताना, हम मिलेंगे, कॉफ़ी ऑन मी, बैठ के बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। साइनिंग ऑफ, वेरी